Good morning, dear children. Welcome to your English class. In the previous video, we all have studied CK sound. कल हम लोग ने CK sound वाले words पढ़े थे, जिसमें हम लोग ने कुछ words हम लोग ने read किए हैं. Now today, we are going to do some exercise of CK sound words. Okay, children. Now turn the page and open the page number 24. ठीक है? Page number 24 आपको open करना है. First of all, write the date here. Today's date is 11/8/20. Write the CW here. हमें इसमें क्या करना है? जैसे कि देखिए, add CK to make words. ठीक है? CK यहाँ पर लिखकर हमें words को complete करना है. B U देखिए यहाँ पर टू डैश बने हुए हैं तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है सी के. सी के का साउंड क्या है? सी के क. बी यू सी के ई टी बकेट. बी यू सी साउंड इज साइलेंट. सी का कोई भी साउंड नहीं है इसलिए के को हम लोग क पढ़ेंगे. बी यू सी के ई टी बकेट. बकेट मतलब क्या होता है? बाल्टी. द नेक्स्ट इज क्या बना हुआ है? कॉकरोच. सी ओ सी के. ठीक है, के को जो आप लिखेंगे वो स्मॉल में लिखेंगे. सी ओ सी के आर ओ ए सी एच कॉकरोच. ठीक है, कॉकरोच बना हुआ है. द नेक्स्ट इज जॉकी. जब हम लोग ये हॉर्स पे जो घुड़सवारी करते हैं दैट इज कॉल्ड जॉकी. जे ओ सी के. जे ओ सी के ई वाई जॉकी. द नेक्स्ट इज क्या बना हुआ है? ताला. ताला को हम लोग क्या बोलते हैं? एल ओ सी के लॉक. ठीक है, एल ओ सी के लॉक. द नेक्स्ट इज आर ए सी के. आर ए सी के ई टी रैकेट. जो बैडमिंटन खेलते हैं ना उसी को हम लोग रैकेट बोलते हैं. द नेक्स्ट इज टी आई सी के ई टी टिकट. टी आई सी के ई टी टिकट. टिकट पता है ना, जब आप लोग ट्रेन में जाते हैं तो ये टिकट ज़रूरी है. अब देखिए, द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ड्रॉ अ लाइन टू मैच द वर्ड टू इट्स पिक्चर. ठीक है, हेयर आर सम वर्ड्स एंड हेयर आर सम पिक्चर्स. वी हैव टू मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड. ठीक है, देखिए द फर्स्ट वर्ड इज, रीड द फर्स्ट वर्ड. एस आई सी के सिक. एस आई सी के सिक. सिक मतलब क्या होता है? बीमार हो जाना. जब कोई बीमार होता है तो वो क्या करता है? वो बेड पे लेटा रहता है ना. तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बच्चा वो बेड पे लेटा हुआ है. तो एस आई सी के को हमें इस बेड के साथ जो ये बॉय है इससे मैच करना है. देन ड्रॉ द लाइन. ओके, द नेक्स्ट इज बी ए सी के बैक. बैक मतलब क्या होता है? पीछे. ठीक है, तो मतलब ये देखिए ये क्या बना हुआ है? ये पीठ है. ठीक है, तो पीठ का जो हिस्सा होता है वो हमारे पीछे की तरफ होता है. देन बी ए सी के बैक. तो बैक को हमें क्या करना है? इसको इससे मैच, ऐसे ड्रॉ द लाइन हेयर. द नेक्स्ट इज डी यू सी के डक. डी यू सी के डक. यू ऑल नो डक ना. तो वेयर इज द डक? या हेयर इज द डक. तो डक को हमें डक के पिक्चर के साथ मैच करना है. द नेक्स्ट वर्ड इज के आई सी के किक. के आई सी के किक. किक मतलब क्या होता है? जो पैरों से हम लोग बॉल को मारते हैं ना, फुटबॉल को खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड किक. के आई सी के किक. तो के आई सी के को इस बॉय के साथ, जो बॉय ये जो फुटबॉल खेल रहा है इससे मैच करना है. द नेक्स्ट इज एस ए सी के सैक. एस ए सी के सैक. अब देखिए सैक का क्या मतलब होता है? ये देखिए यहाँ पर एक ऐसे पोटली बनी हुई है, तो बहुत लोग इसमें देखिए पैसा वगैरह रखते हैं या कुछ गहने ज्वेलरी वगैरह रखते हैं और उसको इससे बांध देते हैं और ये दैट इज कॉल्ड पोटली. तो पोटली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सैक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सैक. एस ए सी के सैक. तो इसको इससे मैच कर दीजिए. ठीक, एंड द लास्ट वर्ड इज टी आर यू सी के ट्रक. टी आर यू सी के ट्रक. ट्रक सबको ही पता है ना. ये देखिए यहाँ ट्रक बना हुआ है, तो ट्रक को ट्रक के पिक्चर के साथ मैच करना है.
ओके चिल्ड्रेन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइजेस. ठीक है, देन यू हैव टू डू इट इन योर वर्कबुक पेज नंबर 24. पेज नंबर 24 की जो ये टू एक्सरसाइजेस है ए एंड बी, आपको इसको अपने बुक में फिल करना है. ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय.